दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक के बारे में आप सब लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। अरमान मलिक को हद तक लोग जानते भी हैं, उनकी दो दो वाइफ्स हैं, इससे वो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ उनके बारे में कुछ ऐसा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरी पहली पुरानी वीडियोस देख लो और बेल आइकन को सेट कर लो ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता अरमान मलिक की दो दो वाइफ्स हैं, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। दो दो वाइफ्स हैं, इससे ही बहुत ज्यादा वो फेमस हो चुके हैं। वो इतने हद तक फेमस हो चुके हैं कि वो यूट्यूब से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और आपको तो पता ही है हमारे इंडिया में दो दो वाइफ्स होना कैसा होता है। आपको तो पता ही है हमारे इंडिया में दो दो वाइफ्स होना कैसा होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, उनकी लाइफ है, उन्होंने जो मर्जी करना है अपनी लाइफ में। तो मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे सब कुछ हुआ उनका। तो जैसे कि मैं उनकी एक व्यूवर ही हूँ, उनकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। तो ये सब बताने से पहले मैं उनके बारे में आपको बातें करती हूँ कि वो क्या है, कैसे हुए। तो जैसे कि उनकी फर्स्ट मैरिज हुई, फर्स्ट मैरिज के बाद वो उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम चिरायु मलिक है। आपने आज तक वीडियोज़ में देखा हुआ उसको, चिरायु मलिक को। और जैसे जैसे उनका टाइम बहुत ही खुशियों से बीतता रहा, तो वो इतने अमीर नहीं थे जो जैसे वो दिखते हैं, वैसे तो बिल्कुल नहीं थे वो। तो उन्होंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि हमारा ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वो एक पार्टी पे गए, उनकी सेकंड वाइफ है कृतिका मलिक, तो वो उनसे उसी पार्टी में मिली थी और उनसे उनका कुछ अफेयर वगैरह होने लग गया। फिर अफेयर के बाद उन्होंने मैरिज करवाने के लिए सोचा, तो उनकी मैरिज हो गई। तो फिर उसकी फर्स्ट वाइफ ने एक्सेप्ट नहीं किया था पहले, तो फिर वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गए उनको। उसके बाद उनके बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसे जैसे नॉर्मल होता है, चलो उनकी लाइफ है, जो मर्जी करे वो। तो उन्होंने वीडियोज़ बनाई अपनी, सारा कुछ अपना बताया, अपने बारे में सब कुछ अपना बताया, इंस्टाग्राम पे सब कुछ बताया। फिर उन्होंने धीरे धीरे यूट्यूब पे आए, और सबसे उनकी अलग बात, स्पेशली अरमान मलिक की बात, कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी आता है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली, तो ये तो कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे वो फेमस होते रहे तो उनके पास पैसा आ गया, तो उनको ये चीज़ नहीं पता था, वो ऐसे बोल रहे थे। तो कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी कुछ है तो यही सोच के वीडियो बनाता है कि हाँ यूट्यूब से हमें पैसा मिलेगा इसलिए हम वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज उनको कोई शौक नहीं होता वीडियो बनाने का। फेमस होने लग गए, फेमस होने के बाद उनका इतना ज़्यादा वायरल होना स्टार्ट हो गया, अपने आप ने उनको देखा होगा कि वीडियोज़ में उनका अब दो दो बच्चे हुए हैं, दो बच्चे उनकी फर्स्ट वाइफ के हुए हैं और एक बच्चा उनकी सेकेंड वाइफ के हुआ है। बहुत ही अच्छे सुंदर क्यूट बच्चे हुए हैं उनके। तो जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स के साथ उनकी बहुत ज़्यादा फाइट होने लग गई, धीरे धीरे ऐसी बातें खुलने लगी बाहर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाहर आने लगी। जी, उसमें से आपको आपने हद तक काफ़ी हद तक ये सुना होगा कि आपकी ये थर्ड वाइफ है या फिर आपकी कौन सी वाइफ है, ऐसे ऐसे आपने बहुत कुछ सुना होगा यूट्यूब पे वीडियोस के साथ, शॉर्ट्स पे आपने बहुत कुछ सुना होगा। जैसे जैसे वो अलग अलग मॉडल्स के साथ वीडियोस बनाते हैं, तो लोगों ने बहुत हद तक गंदे कमेंट भी किए हैं, अच्छे कमेंट भी कईयों ने किए हैं और गंदे कमेंट भी कईयों ने किए हैं कि आपकी थर्ड वाइफ है ऐसे ऐसे बोल के। उन्होंने फिर इस वीडियो पर भी रिएक्शन दिया है, इतने काफ़ी वीडियोस में ये बताया, ये सुनने को आया कि अरमान मलिक ने ये बोला कि मुझे इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो इस वीडियोस में बहुत सारा प्रैंक भी करते हैं कि मेरी शादी हो गई या थर्ड शादी हो गई, या अपनी वाइफ के साथ प्रैंक भी करते हैं, अच्छी कॉमेडी वीडियोस भी बनाते हैं। इससे धीरे धीरे वो और ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो बाकी बात की बात उन सुनने में ये आया कि उनकी थर्ड वाइफ रियल में है। तो आपको अगर मैंने तो वैसे उनकी वॉइस ही सुनी है वीडियोस में, काफ़ी हद तक मैंने वॉइस ही सुनी है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी हैं, मनी पैसे के लिए बात करी है। तो लगता है कि उनकी थर्ड वाइफ सच में थी, अगर थी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि अरमान मलिक ने अपनी सिस्टर के साथ ऐसा क्या किया कि उन्होंने एक रोते हुए वीडियो अपलोड किया है अपनी, उन्होंने बताया है कि मेरे साथ अरमान मलिक ने कुछ भी नहीं किया। अरमान मलिक जैसे कह रहे हैं कि मैंने अपनी बहन को ऐसे लेकर दिया, ये किया, उनके लिए बहुत कुछ किया। उनकी सिस्टर को ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, जैसे भी था, जो भी था, अपने घर में था लड़ाई झगड़ी,
एक साइड मैंने उनकी ऐसी वीडियो भी देखी थी जहाँ पे अरमान मलिक ने ऐसे किया हुआ था जैसे केक कटवा रहे थे, केक कटिंग कर रहे थे और सबको खिला रहे थे कि जो भी उनकी टीम है उनको खिला रहे थे कि, बट उन्होंने अपनी बहन को एक भी केक की बाइट नहीं दी, उनको एक तो एक एक भी बार उनके तरफ देखा नहीं। तो उनकी सिस्टर उस वीडियो में उनको ही देख रही है, उनको नोटिस कर रही है। हाँ कुछ लगा या फिर उन पर ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ था, तो इसलिए सब वीडियोस में भी थोड़ा अपनी तरफ से ले आते हैं। बट अरमान मलिक की सिस्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए था, अरमान मलिक की सिस्टर को उनसे आराम से बात करनी चाहिए थी। ये नहीं थी कि घर घर की बातें आप व्लॉग में दिखाओ, अगर कुछ भी दिखाते हो आप व्लॉग में, हाँ एक साइड अगर आप एक साइड जाते हो तो आप सपना मलिक के व्लॉग देखते हो तो उनमें से वो कह रही थी कि मैंने अपने मेरा ये रेंट का घर है 2000 के रेंट में, मैं घर बाहर का रेंट मैं इस घर का देती हूँ। और उनकी हाँ मैंने देखी थी छोटी सी दुकान थी कपड़े सिलाई की, लेडीज सूट की, रिंग की। हाँ मैंने उनको नोटिस किया कि कुछ तो ऐसा नहीं होगा, अगर कुछ दिया होता, जैसे कि वो कितने रिच दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा रिच दिख रहे हैं, इतना उनके पास पैसा है, बट उनकी एक साइड सिस्टर के पास कुछ भी नहीं है। वो ऐसे लग रहा था, सच में लग रहा है कि वो किराए के घर में रह रही हैं और उनको मतलब कुछ भी नहीं ऐसे दिया होगा। अगर दिया भी होगा तो जैसे वो चैन वाली बात बता रही थी कि कृतिका मलिक की मॉम ने दिया उनको, कृतिका मलिक की मॉम की ज्वेलर्स की शॉप है, उन्होंने वहाँ से दिया है, गिफ्ट दिया, चल ऐसे तो दे ही देता बंदा तो। बट मेरे को ये नहीं लग रहा कि जो भी है उसके वो उसके सामने सच है। कृतिका मलिक और पायल मलिक ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने दीदी के लिए बहुत कुछ किया, मतलब दीदी सपना मलिक के बारे सपना मलिक के बारे में बताया कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, हमने ही उनको सिखाया व्लॉग बनाना, व्लॉग एडिट करना, हमने ही उनके काफ़ी व्लॉग एडिट किए हैं, उनको बहुत कुछ बोला है। तो ऐसे तो हम किसी को बता ही सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट होता है, बट ये चीज़ तो दिख रही थी कि उनको कुछ दिया है। ये व्लॉग वो व्लॉग सिखाना उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको कुछ दे दिया। तो चले वो जैसे भी है, बट उनका एक अकाउंट भी आई थिंक हैक हो गया है, उनका अकाउंट भी बंद कर दिया है, तो उन्होंने न्यू आईडी बनाई है, न्यू अकाउंट बनाया अपना, तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि मुझे फॉलो करना। तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने तो जो वो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पे फॉलो करना, ये सपना मलिक कह रही हैं। तो बहुत सी वीडियो में बार बार वीडियो बना रही थी कृतिका मलिक और पायल मलिक, जिसमें से कृतिका मलिक और पायल मलिक ये बताना चाह रही थी कि लोगों ने सपना मलिक की वजह से हमारे बच्चों को बहुत गंदे गंदे कमेंट किए हैं, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं उनके बारे में बहुत से गंदे कमेंट किए हैं लोगों ने, ये कमेंट्स में बहुत सारा कुछ बोला उनके लिए, बट ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए। फिर भी जैसे भी हैं बच्चे हैं, तो दोनों के भाई बहन के बीच में लड़ाई हो रही है। अरमान मलिक की भी काफ़ी वीडियोस बाहर आ रही हैं, उन्होंने भी अपनी सिस्टर के बारे में बहुत कुछ बोला है, वाइफ है ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने एक वीडियो कॉल रिकॉर्ड वायरल किया है, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है वो लोगों ने सुनी, उसमें भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो आप बताइए ये क्या है, ये सच है या झूठ है? अगर आपको ऐसी वीडियोस मेरी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेकर आऊँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। थैंक यू गाइस।